हेलो गाइस, जेके जॉब्स 247 में आपका वेलकम है। तो जिसका आपको इंतज़ार था, जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पर बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आप सर वीडियो बनाइए इस पे, तो मैंने इसका वीडियो लाया। तो जिसका आपको इंतज़ार था इस रिक्रूटमेंट का, लगभग 1 साल पहले इसके फॉर्म्स निकले थे और आज इसका एग्जाम हो गया फाइनली। तो सबसे पहले जेके एसएसबी को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने इतना फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया और इतनी जल्दी एग्जाम से आके ही उन्होंने आंसर की भी अपलोड कर दी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने और आपने भी अपनी आंसर की देखी होगी, तो आपको क्या लगता है स्कोर, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना स्कोर। लेकिन पेपर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था हमारा जीके सेक्शन, इसमें कितने पॉइंट सेफ है क्या था, तो उसके बाद ही हम लास्ट पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आएंगे, ठीक है। तो जीके सेक्शन जो था उसमें करंट अफेयर भी आया था और बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आए थे जो लगभग हर एक बच्चा कर सकता था, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दो चार भी थे इसमें। तो अगर हम कहेंगे कि इसमें जो अबो एवरेज स्कोर क्या रहा इसमें, मतलब जो स्कोर आपको इसमें करना ही चाहिए था सिलेक्शन पाने के लिए, तो आई थिंक इसमें 21 से लेकर 23 के बीच में जिसने भी स्कोर किया, एक्सक्लूडिंग नेगेटिव मार्क्स, जिसने भी 21 से लेकर 23 तक इसमें स्कोर किया, मुझे लगता है उसका वो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर था जीके में, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस अच्छे भी थे जो गलत होने के चांसेस बहुत थे। तो इसके बाद अकाउंटेंसी आज सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत ही ज्यादा ईजी डाला था, क्योंकि पंचायत अकाउंट स्टेट में अगर हम देखेंगे उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कॉमर्स के बच्चों को भी बहुत ज्यादा टफ लगे थे। तो इसमें वैसा कुछ भी नहीं था, उतने भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, एक दो तीन क्वेश्चंस मतलब ऐसे थे जिन पर सोचना था या जिन पर मतलब थोड़ा सा थोड़ी सी डीप मतलब स्टडी करनी थी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 24 से लेकर 25 के बीच जिसने भी स्कोर किया, हाँ मुझे पता है कि कॉमर्स वालों ने इसमें 30 अपॉन 30 भी किए होंगे या कुछ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने भी, लेकिन एवरेज ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में जब अच्छा स्कोर रहता है, हो सकता है जिसने 30 में से 30 किए होंगे उसका इकोनॉमिक्स गलत हुआ हो या उसका मैथ्स गलत हुआ हो, तो एक एवरेज हम बनाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कितना अच्छा स्कोर, मतलब कितना स्कोर ठीक था। तो स्टेट्स में स्टेट्स भी आया था, एवरेज आया था, नॉर्मल आया था, हम कह सकते हैं दो तीन क्वेश्चन ठीक थे इसमें, तो अराउंड 6-7 जिसका भी स्कोर बना, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर था स्टेट्स में वो, क्योंकि बहुत सारे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी होते हैं, उस बैकग्राउंड के भी होते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि स्कोर अच्छा। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो हमारी सेक्शन थी, जो पंचायत अकाउंट में बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड आई थी, टफ आई थी उसमें, तो आज वैसा ने कुछ भी नहीं देखने को मिला। मुझे लगता है इसमें भी जिसको 6 से लेकर 7 के बीच में स्कोर बन रहा था नेगेटिव कार्ड के, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो मैथ्स तो एक अलग सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों की तकदीर बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, तो मुझे इसमें भी लगता है 7 अराउंड एक बच्चा अगर नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी था, अगर उसने मेहनत की होगी तो 7 मार्क्स वो कर सकता था इसमें। उसके बाद हमारी इंग्लिश की सेक्शन जिसको हम आप हमेशा मान सकते हैं 8 से लेकर 9 इसमें सेफ रहता है, एक एंटोनिम सिनोनिम आप बोल सकते हैं उधर उधर का, लेकिन 8 से लेकर 9 के बीच में इसमें आराम से इंसान स्कोर कर सकता था। तो उसके बाद साइंस, जो मेरी आज खुद की सेक्शन बहुत ही खराब हो गई, मैंने इसमें बहुत ही कम स्कोर किया। आई थिंक साइंस में जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का भी था वो भी इसमें 5 कर सकता था, उतना भी टफ नहीं था, मुझे अपनी कुछ मिस्टेक एक दो हो गई, उससे मेरा स्कोर थोड़ा लो रहा साइंस में। तो साइंस में मुझे लगता है एक्सपेक्टेड मतलब अच्छा जो मतलब स्कोर से माना जाएगा 7-8 मार्क्स आप लिख सकते हैं साइंस में। कंप्यूटर में भी आप इतना ही सेफ मान सकते हैं 7-8 स्कोर। तो अगर हम ओवरऑल ऐड करेंगे सबको तो कितना हमें लगेगा कि जिसके बीच में आपका कट ऑफ बन सकता है, तो 24, 21, 45, 51, 57, 64, 72, 79, 86। तो 86 से लेकर अगर आपका स्कोर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94,
तो अगर आपका स्कोर बन रहा है 86 से लेकर 94 के अराउंड, तो आप अपने आप को अभी आउट नहीं समझिएगा, ठीक है। ये 86 से लेकर 94 ऐसे पेपर में अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद कट ऑफ कितना हो जाएगा, हो सकता है किसी ने 100 भी किए होंगे, आपके फ्रेंड इसमें से किसी ने 95, मेरा अपना फ्रेंड है उसके 96 ठीक हो गए, तो वो बातें अलग है। लेकिन एक पेपर की एनालिसिस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऐसा स्कोर मुझे लगता है ठीक था इसमें, इस पेपर में 86 से लेकर 94 के बीच में। कट ऑफ आप देख सकते हैं 86 से लेकर 94 के बीच में ही रहने वाला है फाइनेंस अकाउंट स्टेंट 2022 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस ठीक है।